चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप टेस्ट दे सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक के, मैंने जितने भी लेसन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग पे 10 क्वेश्चन के एमसीक्यू है बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्विज के, तो जाइए क्लिक कीजिए और टेस्ट दीजिए और जानिए आपको कितना आता है। और कमेंट में बताइएगा कि कुछ अगर गलत हो गया हो या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो किसी आंसर का, तो कमेंट में करके बताइएगा मुझे। और टेस्ट दीजिए और जानिए अपना नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक, जो आपको अपने एग्जाम में कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके अपने एकेडमिक्स हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा। और लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्म्स होते हैं इस तरह के, इसमें क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं लोग इसको सॉल्व करने में। हाँ, आईलेट से ज्यादातर लोग सॉल्व करते हैं, ज्यादातर क्या सभी इसी फॉर्मूले पे बेस पे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन आईलेट पे। आई होप आपको इसका फुल फॉर्म सबका पता होगा, ठीक है? तो इससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो बहुत लेंथी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। तो आज मैं आपको डीआई मेथड बताऊंगी। डीआई मेथड मींस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड, जो आप इस तरह के फॉर्म के इंटीग्रेशन में सॉल्व कर मतलब लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स टू द पावर एन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन, ठीक है? और एफ एक्स हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है? और ये हो गया आपका एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन कॉस टेन ये सब, ठीक है? तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अच्छे से ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर के साथ मैं लूँ सॉरी एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर के साथ मैं ले रही हूँ साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, ओके? तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने जो कि इस तरह के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन है और मैंने आपको क्या बताया था अभी, डीआई मेथड से मैं आपको बताऊंगी। डीआई मेथड में क्या होता है कि जो ये फंक्शन है x की पावर n, उसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, और जो ये वाली फंक्शन है एफ एक्स, उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट। ये टेक्निक है, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एज इट इज इसको कॉपी करके लिख दिए एक्स स्क्वायर को, ठीक है? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तक जब तक कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो, ठीक? और इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है कि एक स्टेप आगे चल के लिखते हैं, मतलब जैसे साइन टू एक्स है तो साइन टू एक्स एज इट इज नहीं लिखेंगे, एक स्टेप इंटीग्रेट करके लिखेंगे। तो साइन टू एक्स को अगर एक स्टेप इंटीग्रेट करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक? फिर एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस साइन टू एक्स बाय फोर, फिर एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस टू एक्स बाय एट। तब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक ये जीरो के बराबर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे इसका जो टर्म था वो इंटीग्रेट करने के बाद ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, और जीरो का कुछ नहीं होगा, ठीक? तो ये हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे,
ये यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, साइन डालेंगे। पहले प्लस का साइन, उसके बाद यहां माइनस, फिर यहां पे प्लस, फिर यहां पे माइनस। ठीक, अब प्लस माइनस का साइन डाल के क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को करेंगे, इस दोनों को करेंगे, इस दोनों को करेंगे। ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर कॉस 2x बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन 2x, यहां पे 2x था, 2x बाय 4, यहां पे प्लस है। ठीक है, यहां पे प्लस है, तो यहां पे प्लस है और यहां पे भी प्लस है, तो प्लस 2 cos 2x बाय 8। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, मतलब प्लस सी ही लिखते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आप एक बार देख लीजिए, ये आप एक बार देख लीजिए, इसकी वैल्यू टैली करके आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन आप लंबा प्रोसेस है जो सॉल्व करते हो आईलेट लगा के, उससे सॉल्व करो या फिर इससे सॉल्व करो। टाइम अगर कम है और एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे हुए हो और किसी स्टेप में आपको या फिर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है तो आप, मैंने समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो कुछ सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस टेक्निक से। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिया, ठीक है, तो इसमें इसमें भी आपको क्या लगाना है, डीआई। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे क्या, डी लगाएंगे डिफरेंशिएट और इसमें इंटीग्रेट। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, तो वही सेम एक्स की पावर 4 डिफरेंशिएशन 4x³। अगर आपको चेन रूल पे या फिर डिफरेंशिएशन पे या फिर किसी भी टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो और आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करें, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12x², फिर 24x, फिर 24 और फिर 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब किस इसका बात करते हैं, अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो e^2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^2x का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो e^2x का इंटीग्रेशन, आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि इंटीग्रेशन सेकेंड वाले स्टेप में इसको नहीं लेके इसके बाद का स्टेप, यानी इसको एक बार इंटीग्रेट करके लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं, e^2x/2। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता तो 2 मल्टीप्लाई में आता। उसके बाद e^2x/4, e^2x/8, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। आप एक एक स्टेप लिख सकते हो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टेप ये यहां तक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके x^4/2x/2, प्लस की साइन थी तो प्लस पॉजिटिव है, ये माइनस की साइन है तो माइनस, 4x³(e^2x/4) प्लस 12x²(e^2x/8) माइनस 24^2x/16 प्लस 24^2x/32 और ये प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, यहां तक
ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे कैंसिल भी कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल जो हो रहा है उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, टू से कैंसिल हो जाएगा, ये टू से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 3 जा, 2 4 जा। ठीक है, इस तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हो। उसके बाद आप अरेंज करके लिख दोगे। इतना टाइम तो नहीं होता है कंपटीशन में, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ये वाला प्रोसेस, जो कि एकेडमिक्स के एग्जाम देंगे उनके लिए बता रही हूँ मैं ये। और जो कंपटीशन में है उनको इतना स्टेप करने का जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है। अगर यहीं पे ऑप्शन में ये वाला टर्म दिया है तो यहीं पे ये वाला टिक मार देंगे, और अगर नेक्स्ट वाला दिया है तो ये वाला टिक मार देंगे। ये वाला जो प्रोसेस है वो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से मैंने बताया है ये टेक्निक। और जो एकेडमिक्स के जो इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन है, जो भी टॉपिक्स इंटीग्रेशन में भी आप ये यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा टर्म उसमें आता है, आप उसको इस तरह से टाइम बचाने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हो। या नहीं तो आप एग्जाम में भी एमसीक्यूज पूछे दिए जाते हैं, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली ये कॉम्पिटिशन के लिए था, बट आप कहीं भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो आंसर टैली करने के लिए और टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। शेयर जरूर, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कोई डाउट हो अगर तो, या फिर किसी और टॉपिक पे सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज लाइक कर देना वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।